हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है एनडीए 1 उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कट ऑफ के आसपास हैं या कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह कि इस बार आप सभी ने मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ लोगों के जीएटी में गलत हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पोर्शन लेंदी था, बट इन ऑल अगर हम देखें तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप लोग चाहते थे कि मैं एक सेशन ये लूँ कि अब एसएसबी के लिए क्या करें। इनफैक्ट आप कमेंट्स में भी यही कंटिन्यूसली लिख रहे थे। ये सेशन स्पेशली आप सभी लोगों के लिए है जो इस समय एनडीए 1 में, मुझे लगता है क्योंकि आप लोग कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए। नंबर वन, मैं पहले एक बात बता दूं आपको कि अगर एनडीए 1 में हम पेपर 1 यानी मैथ्स पेपर की बात करें तो अगर आप 100 प्लस के आसपास हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यानी सेफ जोन में, और जीएटी में मैं एक बोलना चाहूँगा 180 से 200 की रेंज में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ अगर 120 क्रॉस हो गया और यहाँ 200 क्रॉस हो गया तो ऑलमोस्ट इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। पर देखिए क्या होता है, ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मैथ्स में हो सकता है कि 90 पर भी आप थ्रू हो जाओ, हो सकता है जीएटी में आप 160-170 में भी थ्रू हो जाओ। तो एसएसबी के लिए क्या करना चाहिए आपने कई लोगों ने पूछा है। मैं आपको बहुत पहले क्लियर बता दूं कि एसएसबी की प्रिपरेशन, मेरा एक बहुत स्ट्रांग कंसेप्ट है कि उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन आप रिटर्न के लिए सोचना चालू करते हैं या डिफेंस में जाने का, पर हम कई बार करते नहीं हैं और फिर उसमें हम कहाँ कहाँ मिसगाइड होते हैं या क्या क्या हमें करना चाहिए। अगर वो सब चीज़ें हमने करी तो हम एसएसबी बहुत अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा एसएसबी में ही आउट होते हैं बच्चे। कहाँ पे आउट होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें, वो बताऊँगा। इसके अलावा आपने लोगों ने जो जो सेशन बोले थे उसमें से एक सेशन जो 10th-11th स्टूडेंट हैं वो डिफेंस के लिए कैसे पढ़ें, एक जो एनडीए 2 के लिए इस अपेयर होने वाले हैं वो, या जिनके स्कोर्स कम आए वो एनडीए 2 के लिए सेशन जा रहे थे, वो बिल्कुल सेपरेट सेशन लूँगा और बिल्कुल इमीडिएटली लेने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए। पर इस सेशन के बाद तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मैथ्स में 90 प्लस हैं तो भी और जीएटी में 160-170 प्लस हैं तो भी आप एसएसबी के लिए अपने आप को तैयार करना चालू कर दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये मैं अपर साइड इसलिए लेता हूँ कि देखिए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पूरे इंडिया के बच्चों ने दिया है, 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, ऐसे में सभी के अलग अलग स्कोर्स होते हैं तो ये प्लस माइनस हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि एसएसबी प्रोसीजर है क्या। एक्चुअल में एसएसबी का मतलब होता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को वो चेक करते हैं। रिटर्न से आपकी सब्जेक्ट नॉलेज तो चेक हो गई, अब आप ये कैसे पता चलेगा कि आप डिफेंस के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं है, वो एसएसबी के थ्रू ही पता चलता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कभी भी एक दिन में अच्छे नहीं बन सकते, इसलिए आपको वो डे बाय डे का प्रोसेस है। और हम लोगों ने जब पहला बैच स्टार्ट किया था सेप्टेम्बर, जब बच्चों को केवल मैथ्स के लिए बुलाया था, दूसरे बैच में मैथ्स के साथ साथ पूरी तरह से हर सब्जेक्ट दिए, और सबसे खुशी की बात है कि अब इस बैच में हम लोग एवरी वीक में 20 मई से हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने वाले एनडीए का, तो उसमें हर वीक में एक दिन हम एसएसबी पे स्पेशल सेशंस लेते रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट लोग आके वो सेशन कंडक्ट करेंगे, ये हम लोग इस बार से करेंगे। इसके अलावा एनडीए 1 में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है और जिन कट ऑफ मार्क्स के ऊपर जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी हम एसएसबी के यहाँ पर बैचेस स्टार्ट करेंगे। एक बैच मैं करूँगा 27 मई के बाद और एक बैच रिजल्ट आने के बाद, यानी दो बैचेस एसएसबी के होंगे, आप बिल्कुल आ सकते हैं। पर नहीं भी आते हैं या कहीं और भी करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो डेवलप करना चाहिए, वो इस सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि एसएसबी के लिए अगर हम 14 दिन की ट्रेनिंग कर लेंगे तो काम हो जाएगा। 14 दिन की ट्रेनिंग आपको एक पूरा एक प्रोसीजर पूरा आइडिया देगा, पर अल्टीमेटली आपको अपने आप को प्रिपेयर तो करना होगा। तो वो 14 दिन मैं भी मानता हूँ, 10-12 दिन एक अलग से कैंप होना चाहिए और हम करेंगे भी, पर जो रेगुलर हर दिन, क्योंकि आप ये कर भी आओगे तो भी इसका फायदा जब होगा जब वो जो चीज़ें बताएंगे उसको आप यूज़ करें, एक्टिवेट करें। जैसे कई बार क्या होता है, हम कोई मूवी देखते हैं, 3 Idiots देखी, बहुत अच्छी लगी, लगा पढ़ाई करना चाहिए, कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहिए, बॉर्डर देखी तो कंट्री के लिए, वो नहीं, आपका कुछ घंटे का अगर प्रेम आता है या कुछ घंटे में जोश आता है तो ऐसे लोग काम के नहीं। तो ये 14 दिन की ट्रेनिंग का फायदा भी जब भी होता है, नॉर्मली जो एसएसबी की ट्रेनिंग लेते हैं वो 10 से 14 डेज लेते हैं, जब आप इसको रेगुलर लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। तो अब मैं आपसे जो बातें बोलना चाहता हूँ वो समझें। सबसे पहले PIQ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी लेते हैं वो, इस फॉर्म को जब आप फिल करते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है आपकी प्रिपरेशन। कई बार हम फर्स्ट डे आउट होते हैं, कई बार कुछ बच्चे कॉन्फ्रेंस में आउट हो जाते हैं, कुछ बच्चे इंटरव्यू में आउट हो जाते हैं, कुछ वर्बल नॉन वर्बल टेस्टिंग में आउट हो जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को समझें थोड़ा,
तो पहले एक चीज समझें कि 2.5 से 3 लेक्स के बीच में लोग देने वाले एग्जाम, इसमें फाइनली कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं? 350 प्लस के आसपास। तो यदि हम देखें तो ऑलमोस्ट ऐसा मान सकते हैं कि 1000 पे एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है रिजेक्ट होने वाले का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। 800-900 पे एक बच्चा फाइनल सिलेक्ट होता है। पहले राउंड में आप जो निकलेंगे करीब करीब 7000 के आसपास, उन 7000 में से सोच लीजिए 400-500 के आसपास कुछ मेडिकल में आउट होते हैं। यानी अगर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि हर एक का सिलेक्शन नहीं होता, पर वो जिस एक का होता है उसमें वो क्वालिटी होना चाहिए जो ऑफिसर क्वालिटी है। आपकी लाइफ में आपको अपने आप को एज ऑफिसर के तरीके से सोचना चालू करें। जैसे जब एक एक्टर होता, आप आमिर खान की मूवी देखते होंगे तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि वो जो मूवी बनाता, जैसे दंगल आपने देखी होगी या कोई भी नॉर्मली आमिर खान की जो अच्छी मूवीज़ होती हैं, उसमें वो उस किरदार में पूरी तरह से डूब जाता है और आपको लगता है यही एक्चुअल है। वैसे ही अगर आप सही में डिफेंस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाना चाहते हैं तो जो उन ऑफिसर्स की लाइफस्टाइल होती है वो लाइफस्टाइल एक आपकी भी आदत होना चाहिए। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए। सोचिए कि वो कितनी चीज़ों को बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो आप सबको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप पर डे की लाइफ में क्या करना चालू करें। आप चाहते हैं कि अगर आप कहीं पर आसपास कहीं पर भी जिस जगह रहते हैं एसएसबी की 14 डेज की ट्रेनिंग करना चाहें, मैं बोलूँगा बिल्कुल कर सकते हैं। बट जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, अच्छा स्कोर कम होने पे क्या करें, स्कोर ज़्यादा होने पे भी क्या करें, दूसरा NDA 2 के लिए जो एलिजिबल है उनको NDA 2 भी देना है, NDA 1 कुछ बच्चों का आखिरी भी था और आपका अगर स्कोर अच्छा है तो आप पूरी तरह से फोकस हो जाएं SSB में, जिनके जो NDA 2 के लिए भी एप्लीकेबल है वो भी NDA 1 की अगर SSB को क्वालिफाई कर रहा है। मैंने आपको एक टेंटेटिव स्कोर बताया, अगर आप इस स्कोर को क्रॉस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल SSB के लिए अपने आप को तैयार करना चालू कर दें। बल्कि तैयार तो आपको बहुत पहले से करना चाहिए, पर नहीं किया तो अभी भी। तो जब ये आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसमें आपकी हॉबीज पूछी जाती है, उस हॉबीज पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका पूरा 10th 12th का परसेंटेज पास्ट रिकॉर्ड चेक किया जाता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब सपोज आपने बोला कि मेरी हॉबी है क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है या ड्राइंग करना पसंद है या फुटबॉल खेलना पसंद है, आपसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने बोला क्रिकेट पसंद है तो आपसे पूछ सकते हैं कि पिच कितने फिट की होती है, ग्राउंड कितने फिट का होता है, बॉल स्पिन होती तो कितने डिग्री से होती है, अच्छे प्लेयर्स के नाम बताओ, किसने वर्ल्ड कप जीता, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, किसको सीरीज। यानी अगर आप बोलते हो कि आपकी हॉबी है, कई बार आप ऐसे ही इंप्रेस करने के लिए लिख देते हो, याद रखिएगा पर्सनल इंटरव्यू में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना लिखें जो इंप्रेस करने के लिए लिखा है, जो आप हैं वही लिखिए। और इसलिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने ये चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे जब स्टूडेंट नॉर्मली रफ कॉपी पे लिखते और अच्छा नहीं लिखते तो मैं हमेशा बोलता हूं कि साफ सुथरा लिखो और अच्छी कॉपी लो, अच्छा पेन से लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखो। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम फेयर कॉपी में ऐसा करते हैं, रफ कॉपी के लिए पेज कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्वालिटी ऑफ पेजेस, राइटिंग, पेन की क्वालिटी, ये सब। फिर मैं पूछता हूँ ठीक है तो फेयर कॉपी दिखाओ। आप कभी भी किसी की फेयर कॉपी चेक करेंगे तो फर्स्ट पेज बहुत अच्छा होगा, सेकेंड कम और थर्ड वही होगा जो रफ होता है। यानी जो हम रफ पेज में लिख रहे हैं वही फेयर कॉपी का थर्ड पेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप SSB में जाएंगे तो हो सकता है कुछ घंटे आप आर्टिफिशियल रह पाएं, पर कुछ घंटों के बाद आप वही होंगे जो आप एक्चुअल में हैं। इसलिए आपको एक्चुअल में अपने आप को ऐसा बनाना है कि कहीं आर्टिफिशियल बनने की जरूरत ना बने। यानी और मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो आप रफ काम कर रहे हैं कोई काम रफ हो ही नहीं सकता। उसे आप रफ क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, दुनिया का कोई काम रफ नहीं हो सकता। और जो लोग अगर मानते भी चलो ये रफ वर्क है, तो अगर रफ वर्क को आपने सबसे अच्छा किया तो फेयर वर्क को कभी भी आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। इस सेम थिंग कि जो 1000 में से एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा है वो बच्चा है जिसको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा इन द सेंस कि आप ऐसी ही लाइफस्टाइल को जी रहे हो। आप जब SSB में गए आपने उसी दिन बहुत अच्छे कपड़े पहने या टाई लगाई या जूतों में पॉलिश की, आप बार बार जूते देखेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, हर चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। आप किससे कैसे बात करते हैं, किससे कैसे मिलते हैं, प्यून से बात करने का वे क्या है, ऑफिसर से बात करने का वे क्या है, अगर इसमें डिफरेंस है, यानी आप पर्सन की
क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपको, आपके पास क्योंकि आपको ऑफिसर बनाने वाले हैं, आपके पास एक बहुत सारी टुकड़ी होगी, 40-50 लोगों को टीम को मैनेज करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनकी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन देना है, उनके साथ इमोशनली अटैच होना है, उनके अंदर वो जोश पैदा करना है कि वो कर दें जो आप बोल रहे हो। आप सोचिए लोग सुसाइड बम, आप देखते हो टेररिस्ट क्या करते हैं, सुसाइड बम लगा के मरने चले जाते हैं, सोचिए उनकी किस लेवल पे काउंसलिंग होती होगी कि वो अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। आपको टेररिस्ट नहीं बनना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि सारा खेल काउंसलिंग का। तो आपको एक पॉजिटिव, वो निगेटिव बात हुई, अब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव। अभी आपने देखा होगा अभिनंदन पाकिस्तान में 30 सेकंड की देरी की वजह से इंडिया से पाकिस्तान बॉर्डर में चला गया, पर किस ढंग से फेस किया, जो इन्फॉर्मेशन थी इन्फॉर्मेशन तुरंत उन्होंने डिस्ट्रॉय करी, क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन चली जाती तो क्या होता, सोचिए कि कितना हाई डिसीजन था, कितनी क्विक डिसीजन पावर थी। यानी आपको देखना पड़ेगा जो इंडिया में अच्छे कमांडर्स रहे, मेजर्स रहे, जिनको परमवीर चक्र मिला, हम लोगों ने क्लास में सेशंस रखवाए थे रेगुलर, हम उनकी स्टोरीज बच्चों से बोलते थे बना के लाओ, पहले लिख के लाओ, निकालो और फिर पढ़ो, वैसी लाइफ को देखो, सोचो कि इन्होंने क्या करा, कारगिल युद्ध में क्या क्या हुआ था, किस किस को परमवीर चक्र मिला था, कैसे इंडिया ने फाइट की थी, उसके पहले जो इंडिया पाकिस्तान की बार हुए थे उसमें क्या क्या हुआ था, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहिए। वो चाहते हैं आप क्यों जाना चाहते हैं, पहले ये ऑब्जेक्ट अगर क्लियर होगा तो समझ लो आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं कि आप डिफेंस में क्यों जा रहे हो, तो आप भूल जाओ। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, हाई क्लास फैसिलिटी मिलती है, सब मिलती है, पर अगर आप ये देख के जा रहे हो आपको सिलेक्ट नहीं करने वाले, वो सिलेक्ट उसको करने वाले हैं जो एक्चुअल में डिफेंस के लिए बना है। यानी आपकी सोच होना चाहिए, आपसे वो जब क्वेश्चन पूछेंगे नहीं हुए सिलेक्ट तो क्या करोगे, अगर आपने बोला कि आपके पास कितने ऑप्शंस है, अगर आप 2-3 ऑप्शंस पे जाते हैं आप हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कहीं नाखून तो नहीं चबाते हैं, बाल तो नहीं खुजाते हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही, जीडी जब होती, ग्रुप टास्क जब होता है वो चेक कर रहे होते हैं। जब ग्रुप टास्क में होता है ये अक्सर कि हम कई बार जब कोई दूसरा बोल रहा होता तो उसको ध्यान से नहीं सुनते या नजरें झुका लेते हैं, कई बार हम अपने आप की हमारी छोटी छोटी चीजें जिसको डेवलप करनी है, हमें उसकी बात बहुत अच्छे से सुननी है और उसकी बात काटनी नहीं है बल्कि अपनी बात को अपने तरीके से रखना है। हर एक एंगेज को वो आपको ऑब्जर्व करेंगे और ये सब चीजें हर दिन की लाइफ स्टाइल से आती है। आपकी लाइफ स्टाइल, आपके न्यूज पेपर्स की आपको बहुत आदत होना चाहिए रीडिंग की। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि सर SSB हिंदी में होता है कि नहीं, मैं एक बात बता दूं आपको, SSB इंग्लिश में ही होता है। बाकी आप में से कुछ लोगों ने बोला था सर अगर हिंदी में आंसर दे दिए, मैं वैसे एक बात बोलूंगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए होती है। अगर आप हिंदी में भी प्रॉपर आंसर दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब वो इंग्लिश में पूछ रहा है आप हिंदी में दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज या कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, ये चीज आपको निगेटिव कर सकती है, ऐसे में आप आउट हो सकते हैं। बेटर ये है कि आप इंग्लिश पे ही फोकस करें तो अच्छा रहेगा। इनफैक्ट 200 का इंग्लिश लिया ही इसीलिए जाता है, इसलिए जब कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा NDA की तैयारी हमारे यहाँ करने आता है तो हम उसको बोलते हैं आप हिंदी की बुक बंद, ये काम क्योंकि बाद में करोगे तो नहीं होगा, अभी से बंद। तो मैं आपको बोलूंगा तो अभी आपको क्या क्या करना है, तो जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखें मैं आपको बोलूंगा आप लिखना चालू करें। आप वो 14 दिन की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं नहीं जाते, इम्पिटस आते हैं नहीं आते, ये मैटर नहीं करता, क्या करना है वो मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि अगर ये सब चीजें रोज करना चालू की तो उसके फायदे मिलेंगे। आप सोचो कि 10 दिन एक्सरसाइज कर ली तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो एक बच्चा जो राज पटेल सेलेक्ट हुआ था उसका 12th में परसेंट इतना कम था, उस पर इस बात पे क्वेश्चन ही हुई क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन में लिखा था, उसने बिल्कुल क्लियर बताया कि मैं फुटबॉल टीम में खेलता था और इस वजह से मेरा लास्ट टाइम में भी फुटबॉल था और मैं अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाया और मैं क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट था। कोई प्रॉब्लम नहीं, सेलेक्ट हो गया। कई लोग कम परसेंटेज के लिए अलग अलग रीजन देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ऑनेस्ट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हैं, जितना शॉर्ट जितना ब्रीफ जितना अप टू द पॉइंट होगा उतना आपको फायदा मिलेगा। आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, पता है तो बोलो, नहीं पता तो नो बोल दो। आपसे पूछा कि ये क्या और आपको नहीं पता है कि ये मार्कर है और आपने बोल दिया कि सर ये तो कबूतर है, आपने दो नुकसान करे, एक ये क्या था नहीं पता और कबूतर क्या होता है ये भी नहीं पता। ये एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। आप एक समय में दो मिस्टेक करते हैं। दूसरा, जो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आप देखना कभी भी नोटिस करना, किसी भी इंटरव्यू में 90% चांस होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से सेकंड क्वेश्चन बनता है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। आप जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को लिखिए और फिर खुद से क्वेश्चन करिए। आपने लिखा क्रिकेट, आपने लिखा अपनी हॉबी ड्राइंग, आपने लिखा म्यूजिक, आपने जो भी लिखा उसमें आप कितने डूबते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं,
ये कैसे पता चलेगा? आपने अपना एकेडमिक जो लिखा है उस एकेडमिक में अगर आपके मार्क्स, मान लीजिए मैथ्स में 100 out of 100 है, तो आपसे हो सकता है मैथ्स के कुछ 4 questions पूछ लें, अगर साइंस में तो साइंस से रिलेटेड पूछ सकते हैं। दूसरा, 9th-10th की सोशल साइंस की बुक NCERT की बहुत काम की, हिस्ट्री को रीडिंग करने की आदत डालो, न्यूज़ और वर्ल्ड में जैसे कुछ मैंने बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, एक होगा आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट जिसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग्स के हो सकते हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, 4-4 images देंगी, 5th image का पूछेंगे कि आपको क्या रिजल्ट आएगा, राइट, पिक्चर परसेप्शन के आपको होंगे, डिस्कशन टॉस टेस्ट होगा, एक इमेजेस देंगे धुंधली सी, उस पर आप स्टोरी लिखिए, आप उसको देख के आपके क्या मन में थॉट आता है, याद रखिए रटी हुई चीज़, आप जब कोई भी इवन हम भी आपको जब ट्रेनिंग करवाएंगे या कहीं पे भी, रटी हुई चीज़ नहीं, आपका खुद का थॉट होना चाहिए उस इमेज को देख के। जैसे मैं आपसे पूछूं कि डॉग इमेजेस करो, डॉग की इमेजिनेशन लो, जैसे ही मैंने डॉग बोला आपके दिमाग में कुछ भी आ सकता, हो सकता आपके दिमाग में स्ट्रीट डॉग आए, हो सकता आपके दिमाग में कोई पेड एनिमल पेड डॉग आ जाए, आपके घर का कुत्ता आ सकता है, कोई भी अलग अलग वैरायटी का, यानी कितने ब्लैक डॉग दिख सकता है आपको, ब्राउन दिख सकता है, व्हाइट दिख सकता है, पपी दिख सकता है, कोई भी दिख सकता है, यानी कितनी सारी इमेजेस हो सकती है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। मैं बोलूँ 100 लोगों से अगर मैंने बोला कि सोचो डॉग, तो 100 के 100 लोग अलग बोलेंगे। तो आपके अपने ऑन थॉट्स होना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा इसमें बोलता हूँ कि मैं जो बोलूँगा वो नहीं, आपको समझना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आपका, ग्रुप टेस्टिंग होगी, इंटरव्यू होगा, कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर होगा, यानी इतने सब दौर से गुजरने के बाद, और हर स्टेज में आपको परफॉर्म करना है, किसी भी स्टेज में आपका परफॉर्मेंस कम हुआ आप आउट होते जाते हो, बहुत सारे लोग तो फर्स्ट डे ही आउट हो जाते हैं, जबकि अगर फर्स्ट डे निकल गए तो बहुत चांसेस हैं आप लास्ट डे तक जा सकते हो। और इन सब में अभी हम लोग आपके जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं बता दूं कि आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के ये टेस्ट पेपर्स, पिक्चर परसेप्शन के टेस्ट, ये सब हम लोग जैसे अभी आपके पूरे सेशन में टेस्ट लिए थे, वैसे ये टेस्ट भी मैं देना चालू करूंगा, और इन टेस्ट के कुछ सेशंस भी लूंगा आपके साथ। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस एक पॉजिटिव माइंड से अपनी पढ़ाई करना चालू करो। तो अब आपको अगले कुछ दिन क्या करना है मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1 कि स्कोर्स तो मैंने बता ही दिया कि आप, और जिनके स्कोर्स कम भी हैं जो NDA 2 भी देने वाले, उनको भी ये लाइफ स्टाइल देना चाहिए। पहला, आप अगर किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो अच्छा, नहीं है तो हो जाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए थोड़ी आपकी। और याद रखिएगा 10 दिन खेलने से नहीं होगा। नंबर 1, हो सके तो 5 से 6 किलोमीटर की रनिंग चालू करिए, पुशअप सिटअप, एक बेसिक एक्सरसाइज, फुटबॉल हॉकी बैडमिंटन लॉन टेनिस स्विमिंग, कोई भी एक स्पोर्ट अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए, और इसके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे दीजिए, एक अच्छी डाइट लीजिए, बिल्कुल आपकी बॉडी आपका फेस लैंग्वेज दिखना चाहिए कि आप फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग है, वो दिख जाएगा आपका। तो वो फिजिकली स्ट्रांग बोलने से नहीं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में आना चाहिए, एक तो ये रूटीन होना चाहिए। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की बहुत अच्छे से आदत होना चाहिए, आपको पूरा, जैसे आप मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, नए पॉलिटिकल रिलेशंस क्या क्या हो रहे हैं, अभी पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को किस ढंग से ब्रेक किया, क्या क्या चीज़ों की सप्लाई रोकी, किस ढंग से अटैक किया, उनका क्या रिस्पांस है, वर्ल्ड का क्या रिस्पांस है, ये सब पता होना चाहिए। इंडिया चाइना रिलेशंस कैसे हैं, नए लीगल कनेक्शंस क्या हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतनी जो यात्राएं की उनका क्या पर्पस था, उनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होंगे, यानी ये सब चीज़ें आपकी खुद की आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो आपका अभी जो वर्क होगा SSB के लिए वो कुछ ज़्यादा हिस्ट्री पे बेस, वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे रिलेशंस, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको काफ़ी अपने आप को तैयार करना होगा। तो आपको 1 से 2 hours एडिटोरियल पेज की आदत होना चाहिए, हो सके तो इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़िए, हिंदू पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, कोई ना कोई इकोनॉमिक्स टाइम्स देखिए, नए नए क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कंट्री में, गवर्नमेंट के चेंज होने से अभी क्या क्या इफेक्ट आ सकता है या आएगा, अभी आप क्योंकि जब भी जाओगे SSB देने उसके पहले नई गवर्नमेंट बन जाएगी, पिछली गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, उनकी क्या क्या पॉलिसी थी जो अच्छी थी, क्या क्या पॉलिसी थी जिसके वजह से उन प्रॉब्लम्स फेस की, GST को लेके आपके अपने थॉट्स क्या हैं, यानी ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी होगी। तो आपकी रीडिंग्स, अब समय आ गया SSB के लिए रीडिंग्स स्किल अच्छे होना चाहिए, तो आपको अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत होना चाहिए, राइट। आप न्यूज़पेपर BBC की न्यूज़ सुनो, न्यूज़ भी सुनो तो अच्छी है, जो कुछ फालतू की न्यूज़ आती है एक एक चीज़ दिखा रहा है वो नहीं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुनो, नेशनल न्यूज़ सुनो, DD की न्यूज़ अच्छी होती है वो सुनने की आदत डालो, यानी आपको हर दिन अपने आप को बहुत ही बेसिक लेवल पे तैयार करना होगा, यानी आपको दिन भर ये हो सके तो अपने आसपास आपके अगर कोई आर्मी ऑफिसर रहता हो,
कोई ऐसा आर्मी पर्सन हो जो रिटायर हो चुका है या जो आर्मी में है, वो जब आते हैं उनके साथ एक आध दिन स्पेंड करो, उनसे बातें करो, उनसे क्वेश्चनिंग करो, पूछो। आप कहीं आसपास अगर आर्मी कैंप है, आर्मी एरिया है, वहाँ पर विजिट करो, उनकी रियल लाइफ स्टाइल देखो, जो सोल्जर होते हैं उनकी एक्चुअल लाइफ देखो, जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी लाइफ देखो, अलग अलग ग्राउंड लेवल पे ये सब चीज़ें आप अपने आप से करना चालू करें। एक्चुअल में आपको वो लाइफ जीना पड़ेगी जो लाइफ आप जाना चाहते हो, और जब वो आप जीने लगोगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप भले ही कितने भी लोग हों, आप हजार में से एक ही होने वाले हो अगर आप अपने आप को इस ढंग से सोचते हो। आप सोचिए, कई सारे लोग जब आउट होते हैं तो क्यों होते हैं, कई बार पता ही नहीं चलता। पर क्यों नहीं चलता, क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आप जिस फील्ड में जा रहे हो अगर उस फील्ड के लिए आप ईमानदार नहीं, ऑनेस्टली देखिए हर एक चीज़ अलग अलग होती है। IIT की बात करें अलग लेवल है, MBBS की बात करें अलग चीज़, पर जब मैं बात करता हूँ डिफेंस की तो आपको बहुत ही मल्टी डायमेंशन होनी चाहिए। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं फिजिकली, आपकी आदत क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, आप जब घर से निकलते हैं तो लाइट के स्विच ऑफ करते हैं कि नहीं, कहीं पानी बह रहा है तो आप बंद करते हैं कि नहीं, कहीं कोई मुसीबत में तो उसके लिए आप किस ढंग से हेल्प करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी होना चाहिए। आपने देखा होगा कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, केवल ये जो आप डिफेंस वाले लोग, केवल ऐसा नहीं होता है कि केवल लड़ाई करते हैं, कहीं पे भूकंप आया तो वो जा रहे हैं मदद करने के लिए, इलेक्शन है तो उनकी ड्यूटी लगी, हर तरह से पूरी कंट्री में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। आप सोचिए, आपके ऊपर एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप बहुत सेंसिबल नहीं हुए, अगर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए तो कैसे आपको वो लेंगे। तो वो क्वालिटी आपकी देखते हैं, लोग बोलते हैं बाद में डेवलप करेंगे, नो, वो पहले चेक करते हैं, और वो आपकी हर दिन की लाइफ स्टाइल से आती है। इसलिए आप में से कोई अगर ये सेशन सुन रहा है, 9th 10th में भी है, मैं उनके लिए भी लूँगा, तो भी मैं बोलूँगा कि आदत जितनी जल्दी डेवलप करेंगे उतना फ़ायदा होगा। डिफेंस एक डिफरेंट फील्ड है, इनफैक्ट आप डिफेंस में टॉप लेवल की पोजीशन पे जा रहे हैं, NDA और CDS के थ्रू जाना मतलब आप सीधे ऑफिसर रैंक पे जाने वाले, तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो क्वालिटीज होना चाहिए, तो इन सब को डेवलप करो। बेसिक्स क्या होता है वो सब आपको पता है, SSB का प्रोसेस जो मैंने लिखा है, SSB के लिए मार्केट में कई सारी बुक्स भी आती है, आप कोई भी एक बुक्स ले लो, वो सब आपको आइडिया देंगे। ये आइडिया के बाद आपको करना है, आप देखते हो जैसे अभी एवेंचर फिल्म आई, मैं आपको कुछ आइडिया दे रहा हूँ, या कोई भी मूवी जब हम देखते हैं, एक राइटर है उसने स्टोरी लिख ली, राइट, पर जो डायरेक्टर हीरो है उसने एक्टिंग कर ली, पर उसको कौन बता रहा है, डायरेक्टर बता रहा है कि ऐसे एक्टिंग करना, पर जो आप देखते हो इमेजेस, जो जगह ली जाती है, जो जो सोच होती है कहीं पे बनी नहीं होती, वो किसी इंसान की क्रिएशन होती है, पहले वो ब्रेन में होती है फिर वो एक्चुअल में वो करके दिखा देता है। आप सोच भी नहीं सकते, जब आप अभी आपने एडवेंचर देखी होगी तो आप सोच नहीं सकते कि ये भी एक तरीका हो सकता है सोचने का, यानी कितना डिफरेंट लेवल पे जाके कोई सोचता होगा। आप देखते होगे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उस पर एक बहुत अच्छा 7-स्टार होटल बनता है, उसको बनाता है एक आर्किटेक्ट, केवल जो उसका प्लॉट का मालिक होता है वो बोलता है मैं ये चाहता हूँ, वो बताता है अपनी चीज़, फिर जो आर्किटेक्ट होता है उसके क्रिएशन से चीज़ें बनती है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों की ड्राइंग होती है। वैसे अपने आप को क्रिएट करना, अपने आप का क्रिएशंस डेवलप करना है, यानी आपकी सोच होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर होते, जैसे अभी जो अटैक हुआ, अगर आप वहाँ पे होते तो आप क्या करते, इसके पहले जो बार हुई है उस समय आप होते तो आप क्या करते, आपके खुद के रिएक्शंस क्या होते, ये चीज़ें डेवलप करना चालू करो। मैं बहुत आपको रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये सब करेंगे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, जैसे जब मैं यहाँ पर करना चाहते हैं, रिटायर चाहते हैं, हम लोगों ने अपनी टीम बनाई, वो यही बोलते हैं कि हम लोग ये चीज़ जरूर चेक करते हैं कि कोई बंदा रट के तो नहीं आया। तो कई बार कुछ बच्चे जो एकेडमी में जाते हैं वो आपको गाइड करते हैं पर आप उन चीज़ों को रट लेते हो, रटना नहीं, स्टोरी आपके अपने थॉट्स होना चाहिए, जो जो वर्ल्ड में हो रहा है उन पे आप न्यूज़ सुन के आपके अपने थॉट्स होना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब बता सके, यानी आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सेंसिबल ऑनेस्ट पर्सन बने, सोचें कि आप क्या सही में इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते कि नहीं। आप उनकी लाइफ स्टाइल को देखो, अगर आपको लगता है ले सकते हैं तो NDA में जाएं, नहीं तो नहीं जाएं, क्योंकि अगर आपने सब चीज़ें अपने आप में डेवलप की तो फ़ायदा मिलेगा। अभी मैं ये सेशन कंटिन्यूसली लेता रहूँगा और इन सेशंस में मैं आपके साथ जो टेस्टिंग्स वाला पार्ट है वो भी अब आपके साथ रेगुलर डिस्कस करूँगा, उसके लिए मैंने डेट रखी 20 मई के बाद, और यहाँ पर भी हम सेशन जो बैच स्टार्ट करेंगे उसमें भी हम वंस इन अ वीक यही प्लान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे आपकी। और यहाँ पर जब हम बैच स्टार्ट करेंगे SSB का फर्स्ट और सेकंड, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, पर मैं एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ कि 1 जून के फर्स्ट वीक में और एक रिजल्ट आने के बाद दो बैचेस का प्लान किया हुआ है। पर मैं फिर बोलूँगा, इस सेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको यहाँ आना, इस सेशन का पर्पज़ है आप जहाँ पर भी रहें, चाहे आप इंपिटस गुरुकुल एकेडमी आएँ या कहीं पर भी करें ज्वाइन या ना करें, पर जो बातें मैंने बोली अगर ये आपने कर ली
तो आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करें, जिनके स्कोर्स कम है निराश ना हो। आप कोई भी नई शुरुआत पीछे जाके नहीं कर सकते, पास्ट में जाके न्यू स्टार्टिंग नहीं हो सकती, न्यू स्टार्ट आज ही से हो सकती है, अभी से हो सकती है। तो जिन बच्चों ने, क्योंकि कमेंट्स में कुछ बच्चों ने ऐसा भी लिखा है कि स्कोर्स कम हो गए, घबराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ें। एनडीए के अटेम्प्ट कम हो गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास सीडीएस फिर से नया ऑप्शन क्रिएट हो गया, ओपन हो गया, इतना अच्छा ऑप्शन है। जहां एनडीए की एज खत्म होती है वहां पर सीडीएस की चालू होती है। सोचिए आपके पास लगभग 6 ईयर होते हैं, आपको 6 ईयर नहीं देना, आपको अगर जो मैंने बात बोली अगर आपने इस ढंग से अपने आप को तैयार कर लिया, हार्डली बस अटेम्प्ट में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बट आप इस बात के लिए तैयार करें, आप सोचेंगे कि मैं बाद में कर लूंगा तो बाद में कुछ नहीं होता। तो एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करिए, एक अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बेसिक आइडिया मैंने दिया, अब इसके और डिटेलिंग सेशंस में आपके साथ रेगुलर कंडक्ट करता रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि इन सेशन से आपको फायदा मिलेगा। आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करो, अपनी रूटीन लाइफ को सेट करो, एक डिसिप्लिन लाइफ जीने की आदत डालो, उठने का टाइम सोने का टाइम हर टाइम को फिक्स करो, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करो, मोबाइल्स गेम बिल्कुल बंद कर दो। जितना फिजिकल गेम खेलेंगे उतनी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और वो रिफ्लेक्ट होगी जब आप एसएसबी में जाएंगे। आप सोचेंगे आखिरी 15 दिन दौड़ लूंगा तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपके दौड़ने से कोई बता देगा कि आप कितने दिन से दौड़ रहे हैं, ये बात मैं आपको बता दूं, आपके हाँफने से पता चल जाएगा। इसलिए आप अपनी लाइफ को, मैंने बोला ना रफ काम को फेयर से ज़्यादा अच्छा करना है, ये आदत बना लो, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।